नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गंगराड़े। आप देख रहे हैं 21 फरवरी 2022 के मुख्य समाचार। खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC ने एक अलग ऐप कंफर्म तत्काल की शुरुआत की। इसके जरिए अब किसी भी रूट पर चलने वाली ट्रेनों में आज, कल और परसों के लिए तत्काल कोटा के तहत मौजूद सीटों की डिटेल जानकर आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। यानी आपको अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर उपलब्ध सीट खोजने की जरूरत नहीं होगी। आप एक साथ उस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। गंगा आरती की तर्ज पर कर्नाटक के हरिहर में तुंगभद्रा आरती की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आज और कल 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हुआ। कल शाम 6 बजे तक के जारी किए गए आंकड़ों में 65.32% मतदान हुआ। सूर्य कुमार यादव की तेज अर्धशतकीय पारी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत रविवार को तीसरे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 17 रन से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की। इसके साथ ही भारतीय टीम T20 ICC रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 सीटों पर 60.21% वोटिंग हुई। इस फेज के बड़े चेहरे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पत्नी लुइस खुर्शीद और पूर्व IPS असीम अरुण है। वोटिंग के बीच PM नरेंद्र मोदी ने हरदोई में रैली की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सट्टा और कट्टा से मुक्ति मिल गई है। वहीं दुबई में IPL के तर्ज पर T20 लीग खेली जाएगी। इसमें एक टीम बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की भी रहेगी। शाहरुख पहले IPL में KKR के अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग में टीम खरीद चुके हैं। ये उनकी तीसरी क्रिकेट टीम होगी। क्रिकबस के मुताबिक इस टूर्नामेंट में 6 टीमें खेलेंगी। मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप भी इनमें दांव लगाएंगे। वहीं रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। जी हाँ, अमेरिका बार बार कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यही बात यूक्रेन को खल रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ने पूछा कि अमेरिका रूस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा, क्या उसे हम पर हमले का इंतजार है? जब दुश्मन हम पर कब्जा कर लेगा तब आप प्रतिबंध लगाएंगे तो वे हमारे किस काम आएंगे? वहीं कोटा में बारातियों को ले जा रही कार चंबल में गिरी। दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत, इनमें 6 जयपुर के। एयर इंडिया के पायलट्स की दुनिया में हुई तारीफ। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच सुरक्षित उतारे प्लेन। धन्यवाद अच्छी खबर में पसंद आए। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।